हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से जानेंगे 10 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों समझेंगे मीनिंग की प्रोवर्ब्स का क्या मतलब होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गर्जे सोबर से नहीं। दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और किसी काम को नहीं करते हैं उसको आप कह सकते हो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गर्जे सोबर से नहीं। नंबर 2, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, गया वक्त हाथ नहीं आता। दोस्तों जो समय एक बार बीत जाता वो दोबारा नहीं आता, इस प्रोवर्ब को आप कह सकते हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, गया वक्त हाथ नहीं आता। नंबर 3, लेट द पास्ट व्यूरी इट्स डेड, गरे मुर्दा ना उखाड़ो। दोस्तों किसी को भी अपना पास्ट को याद नहीं दिलाना चाहिए दोस्तों, इस प्रोवर्ब को आप उस मोमेंट में कह सकते हो। लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डेड, गड़े मुर्दा ना उखाड़ो। नंबर 4, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का कोई ऐसा चीज़, ऐसा लोग दोस्तों जिसका कोई वैल्यू ना हो, उस मोमेंट में आप कह सकते हो इस प्रोवर्ब को, घर की मुर्गी दाल बराबर। नंबर 5, अ वर्ड बैड वर्क मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, चले न आवे ता अंगना टेढ़ा। दोस्तों कोई ऐसा आदमी है जो वो काम को नहीं कर पाता लेकिन वो अपना बुराई निकालता है उस काम के ऊपर कि यह काम ही ऐसा है, वो खुद काम नहीं कर पाता लेकिन काम के ऊपर बुराई निकालता है दोस्तों। नंबर 6, वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। दोस्तों एक जैसे लोग एक ही जैसे लोग के साथ रहते हैं दोस्तों, इस प्रोवर्ब को आप यूज कर सकते हो उस मोमेंट में। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। नंबर 7, इल गॉटन इल स्पेंट, चोरी का माल मोरी में। दोस्तों जो चोरी का माल होता है, काला धन होता है, वो कभी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। नंबर 8, ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दोस्तों हमारे लाइफ में कभी भी खुशी आते हैं तो कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर सेम मोमेंट हो जाता है, उस प्रोवर्ब को आप यूज कर सकते हो, इस प्रोवर्ब को आप उसी मोमेंट में यूज कर सकते हो। नंबर 9, स्मॉल विट्स ग्रेट विस्ट, छोटी मुंह बड़ी बात। दोस्तों छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करना, इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ है। नंबर 10, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। दोस्तों जिसके अंदर विल पावर होता है किसी भी काम को करने के लिए, कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, उसका रास्ता अपने आप निकल जाता है दोस्तों, इस प्रोवर्ब को आप यूज कर सकते हो उस मोमेंट में। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।